अब तक मैंने आपको मुंबई टू जूनागढ़ और फिर मुंबई टू गोवा की बस जर्नी दिखाई। अब आपके सामने एक और बस जर्नी ब्लॉग, और ये है प्लेटिनम ऑरेंज ट्रेवल्स की बस, वॉल्वो है। तो बस हो जाइए तैयार, दिस इज़ मुंबई टू बेंगलोर। डिस्टेंस अब मान के चलिए लगभग 1100 किलोमीटर्स, 1100 किलोमीटर्स। तो बस कम ऑन, जैसा मैं आपसे कहता हूँ हर जर्नी में, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ मुस्कुराते हुए मेरे साथ ट्रैवल कीजिए डिजिटली। सो हेलो गाइज, इस ईयर मैं आपको बता दूं मेरे दो फोकस हैं। सबसे पहला है टाइगर सफारी थ्रू आउट इंडिया और दूसरा है बस जर्नीज। बिकॉज ट्रेन्स की मैंने आपको दिखा दी, फ्लाइट्स दिखाई हैं, क्रूज भी दिखाए हैं, बट इस ईयर मेरा टारगेट है आपके लिए बैक टू बैक बस जर्नीज भी लाना। तो अब तक आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, आप समझ चुके होंगे। तो मेरी यहाँ से एक और बस जर्नी शुरू होने जा रही है और ये है मुंबई टू बेंगलोर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मुंबई टू कहाँ की आप बस जर्नी देखना चाहेंगे। और बस इस जर्नी में भी जैसी पहली व्लॉग्स आप देखते आए हैं, इसमें भी आपको ढेर सारा एंटरटेनमेंट आपके लिए। तो मेरा नाम है डोलेश और आप थोड़ा स्माइल तो किया करो यार। आप देख रहे हैं 200 जर्नीस। और एक्चुअल में क्या है, जब मैं ट्रेन जर्नीज करता था तो मेरी मोस्टली शुरुआत स्टेशंस से या बाहर से कहीं से होती थी, बट बस जर्नीज में अगर आपने कंटेंट देखा है तो मेरी शुरुआत ज़्यादातर घर से ही होती है। तो इस वाले व्लॉग की शुरुआत भी मैं घर से ही कर रहा हूँ। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पैकिंग में दिखा दूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। ये देख लीजिए, यहाँ मेरा एक ये मेरे साथ सूटकेस है, लैपटॉप वगैरह, कपड़े वगैरह। मेरा ये वाला टूर लगभग 12 दिन का है, सब देखिए यहाँ पर तैयार है। मैं चादर भी कैरी कर रहा हूँ और ये सब मेरे हाथ में हैंडबैग रहेगा, इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स मैं कैरी कर रहा हूँ। ये मेरी हुडी है इन केस अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो, उसमें मैं फ्रूट्स कुछ कैरी कर रहा हूँ और कुछ प्रोटीन्स बार कैरी कर रहा हूँ। बिकॉज बस जर्नीज आपको पता है बहुत नॉन स्टॉप बस रन होती हैं, 4-4, 5-5 घंटे। तो इन केस अगर ब्रेक ना मिले तो बीच में थोड़ा बहुत यू नो थोड़ा बहुत प्रोटीन बार ले लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। तो बस जल्दी से आई एम ऑल सेट, थोड़ा चेंज कर लें एंड आई गेस वी शैल स्टार्ट। आप तैयार हैं यार? आप लोग बोलते नहीं हो, खाली व्लॉग बस ऐसे ही देख लेते हो, बोलो तो सही तैयार हो कि नहीं हो। तो ये देख लीजिए, वी आर ऑल सेट, इट इज़ 2:30 और करंटली मैं हूँ बोरीवली ईस्ट। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ द एक्सिस बैंक बोर्डिंग पॉइंट है। मैसेज आ चुका है, होपफुली बस भी मेरी आती होगी और ये है प्लेटिनम बस। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, होपफुली अगले 15 मिनट में बस शुड बी हियर। और आप ये पीछे देख रहे हो, दिस इज़ नीता वॉल्वो, होपफुली बेंज कैटेगरियाँ अगर आप देखोगे, दिस इज सुपर हाई टेक। देखेंगे आगे जाके बीई कैटेगरी बेंज, होपफुली आगे जाके भी इसका आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बस आ जाए एंड देन वी आर रेडी टू डिपार्ट। सो वी आर ऑल सेट। ये देख लीजिए, ये ऑरेंज वाली बस है, ऑरेंज की बिल्कुल प्लेटिनम लग्जरी बस, एसी, सब फीचर्स आपको मिलेंगे, वॉल्वो है। और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ भाई, इस वाले में मज़ा आएगा। एंड टुवर्ड्स बेंगलोर, टुवर्ड्स साउथ बस में पहली बार, आइए जरा आपको अंदर लेके चलता हूँ और बात करेंगे। We'll be right back.
सब ये बताइए आपको डिजिटली देखकर फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा लगा। और बिकॉज देख रहे हैं आप वाइट है तो इसका लुक एक्चुअली और ही आ रहा है। जो मेरी सीट है वो ये है अपर 17 and 18। अब मैंने दो सीट क्यों बुक कराई है इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। फीचर्स का थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं बिकॉज यहाँ पर अभी पैसेंजर्स ने बोर्ड नहीं किया है। यहाँ देख लीजिए, सो दिस इज चार्जिंग पॉइंट पूरा आपके पास यहाँ पर है। कर्टेंस हैं, ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। और ये रहा आपके सामने टीवी स्क्रीन विच इज़ कनेक्टेड थ्रू वाईफाई, कर्टेंस वगैरह है, इट लुक्स ऑसम। अगर आप यहाँ देखेंगे इस साइड देखिए कितना सही ये लुक आ रहा है। फीचर्स वगैरह सब कुछ चिंता मत कीजिए, मैं आपको आगे सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। बट फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज मैंने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ करके पूरा जस्ट टू अवॉइड द कोविड हैंड सैनिटाइज मैं कर रहा हूँ प्रॉपरली, एवरीथिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड। अभी क्या है ना, हमारी सिर्फ जर्नी की शुरुआत हुई है बिकॉज जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो एक एक जगह से पिकअप पॉइंट से बोर्ड कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या होता है ना, बस थोड़ा धीरे चलती है और मुंबई का ट्रैफिक भी आपको पता है। बट आई एम लविंग दिस स्पेस। आप देखिए कर्टेंस लगा लीजिए, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स या अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, द होल केबिन, आप एक छोटा सा केबिन, द होल केबिन इज़ योर्स। और बिकॉज इस बार बाकी इससे पहले जो मैंने दो जर्नी की हैं बस वाली, वो मैंने एक्चुअली लोअर बर्थ थी और साइड थी, इसका भी मैं आपको बता दूँ दिस इज़ 2+1 का कॉम्बिनेशन है। बट इस बार मैंने कोशिश की, चलिए इस बार अपर बर्थ ट्राई करते हैं बिकॉज एक सब्सक्राइबर का सजेशन आया था। लेट्स सी अपर बर्थ से क्या है, बिकॉज मैं व्लॉग बनाता हूँ तो बार बार उतरना चढ़ना प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, मैंने कहा एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। करंटली हम चल रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे। ये दादा हैं इस तरफ और ये हमारे साथ ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इतना स्मूथ, हमने लिया है एक ब्रेक। यहाँ पर देख लीजिए ये बस खड़ी है, इसका थोड़ा मैं आपको बता दूँ फ्यूल कैपेसिटी डीजल है अराउंड 500 liters, माइलेज हो गया लगभग 2 kilometers पर लीटर। और अगर कॉस्टिंग की बात करें, बस की कॉस्ट क्या है, देखो वैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इट इज़ अराउंड 1.5 crore, बट अंदर का जो इंटीरियर है डिपेंडिंग अपॉन दैट थोड़ा बहुत कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। और मुझे चाहिए सिर्फ कॉफ़ी, यहाँ पर वड़ा पाव वगैरह ये देखिए यहाँ पर सब खाने पीने का ऑप्शन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग बिकॉज मैं सब घर से कैरी कर रहा हूँ। सिर्फ एक कॉफ़ी चाहिए राइट नाउ। पुणे से हम हार्डली, मैं बताऊँ आपको हार्डली 10 kilometers बिफोर हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये MSRTC की नहीं, ये आई गेस कर्नाटका की है, दिस इज़ गवर्नमेंट बस। और उस तरफ अगर आप देखोगे उस तरफ खड़ी है MSRTC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। कंटेंट पसंद आ रहा है, इतनी जानकारी आपको दी जा रही है, एक लाइक ठोक दो। आप एक लाइक करोगे, लाइक में कुछ जाएगा तो नहीं। अगर ये हमारी पहली मुलाकात है, बताइए आपको नीचे कैपिटल बटन में लिखा है सब्सक्राइब। अभी बजे हैं लगभग 9 और अब वक्त है डिनर का। बट बस जर्नीज़ में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, बस जर्नीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो यहाँ पर डिनर देख लीजिए, ये मैं घर से लाया हूँ। यहाँ पर ये पूड़ी है, ये नमकीन, ये कुछ मठरी और यहाँ पर ये पिकल। कोशिश करेंगे बिल्कुल हल्का ही खाना है। एंड द बेस्ट पार्ट ये देखिए, इस वाली बस में TV भी है। तो आई होप आप
आप ये मूवी गैस कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका हेडफोन भी है फॉर अ बेटर वॉइस। मूवी चल रही है, डिनर चल रहा है, जर्नी चल रही है, बस भाई और क्या चाहिए। उम्मीद है आपको इस डिजिटल जर्नी में मज़ा आ रहा है, तो अब आराम से डिनर करने दीजिए, मूवी एंजॉय करने दीजिए। कौन सी मूवी है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हाँ तो ये है हमारा सेकंड हॉल्ट, अब मैं पहुंच चुका हूँ, दादा बता रहे हैं उमरज। अभी हम करंटली महाराष्ट्र में ही हैं, ये है सेकंड हॉल्ट। तो अगर आप इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई टू बेंगलोर, तो लगभग 10:15 इन्होंने डिनर का स्टॉप दिया है। यहाँ पे आधे घंटे का हॉल्ट है, बट बिकॉज मैंने डिनर ऑलरेडी कर दिया तो अपने को डिनर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं। जल्दी से मैं आपको ज़रा कॉस्टिंग का और बता दूँ, जो बुक मैंने किया है इट इज़ अराउंड 1500 पर पर्सन। तो मैंने दो सीट बुक किए हैं, तो आई हैव पेड ऑलमोस्ट 3000। अब दो सीट मैंने क्यों बुक किए हैं, बिकॉज ऑफ कोविड, ताकि मैंने देखो लास्ट टाइम पर बुकिंग की है, मोस्टली मैं साइड वाली सीट लेता हूँ, बट इस बार मैंने लास्ट टाइम पर बुकिंग की तो साइड वाली ऑलरेडी सब बुक हो चुकी थी, तो मैंने वो लिया ताकि मेरे बाद मेरे साथ में कोई स्ट्रेंजर ना रहे बिकॉज ऑफ द कोविड, इसलिए मैंने वो दोनों सीट बुक कर ली। सिंपल सा हिसाब किताब है। अब यहाँ पर इस वाली बस के ऑरेंज ट्रेवल्स के ड्राइवर दादा चेंज होंगे, जो बोरीवली से चले थे यहाँ पर, अब वो रिलैक्स करेंगे, सोएंगे, एंड नाउ द सेकेंड पर्सन विल ड्राइव। अब वो सुबह तक कंटिन्यूस ड्राइव करने वाले हैं। वेदर का आपको बताऊँ, वेदर इट इज़ ओके, ठंडा नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज है। एक्चुअली अब ये वाले जो ड्राइवर दादा ना, ही ड्राइव्स लिटिल फास्ट, तो बस देखो काफ़ी हिल रही है। अब आप सोचो राइट नाउ इट इज़ 11 o'clock, कल सुबह करीब दुर्गा आएगा 6:30 बजे, सो ही विल ड्राइव नॉन स्टॉप अराउंड 500 kilometers, आप सोचिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर अपर बर्थ पर कोई नहीं है भाई, दिस इज़ पीस, यहाँ जो सुकून है ना, बस पूछो मत। सो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब आराम से सोने दीजिए। अब मेरी आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, देखते हैं ऑन डे टू हमारी कहाँ मुलाकात होती है, बिकॉज आपके लिए तो सेकंड्स में हो जाएगी, मेरे लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम डे वन, मिलता हूँ आपसे कल सुबह, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू इन मुंबई टू बेंगलोर बस जर्नी। अभी राइट नाउ आई गेस हम चल रहे हैं मुंबई बेंगलोर हाईवे पे। टाइम देख लीजिए, अगर इट इज़ विजिबल, अभी बजे हैं लगभग सुबह के 7:30। जो पहला स्टॉप था वो इन्होंने लिया 6 बजे, और वो मतलब ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था, वो सिर्फ फॉर द वॉशरूम था, तो मैं नीचे नहीं उतरा हूँ। अब आई गेस नेक्स्ट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में हम आनंद राव सर्कल पहुँच जाएंगे। तो जर्नी चल रही है, बस पूरी तरह से, ये मानिए पूरी तरह से पैक है, और एक फैमिली के तो लगभग 12 मेंबर्स एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और ड्राइवर दादा अब यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, जो रात को ड्राइव कर रहे थे नाउ ही इज़ स्लीपिंग। तो बस आई गेस अब तो कुछ ब्रेक मिलेगा नहीं, अरे ये बस में ना कॉफ़ी नहीं मिलती है, बस दिन की शुरुआत थोड़ी ऐसी ही होती है। तो अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात, देख लीजिए व्यूज़, देख लीजिए व्यूज़ पर व्यूज़ हैं ऑन मुंबई बेंगलोर हाईवे। तो मेरी अब आपसे सीधी मुलाकात होगी हमारी डेस्टिनेशन। यस, एक मिनट रुकिएगा। तो इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलोर में अब आपका स्वागत है। तो यहाँ पर लगेज निकाला जा रहा है, बिल्कुल वी आर ऑन राइट टाइम। हाँ, इट इज़ 9:45, कल दोपहर को 3 बजे शुरू किया था। दादा बैग दे देना ब्लू वाला। 3 बजे शुरू किया था, नाउ इट इज़ 9:45 और हम हैं बेंगलोर में। बेंगलोर में पहली बार नहीं हूँ, इनके साथ हमारी ये पहली मुलाकात है। रिमेंबर बेंगलोर राजधानी चैनल पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास वाली जर्नी। और बस यहाँ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से उम्मीद है आप गेस कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ। लगे जाने दीजिए,
सो रिमेंबर, अगर आपको मज़ा आया, पता है ना आपको, रिमेंबर यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिए उनके साथ अगर आप इस वॉल्वो बस में प्लान कर रहे हैं, और बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आसपास सफाई ज़रूर रखिए, ठीक है ना? ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज टाटा।